Okay, hi guys. Good morning, everybody. Welcome to the class. How are you all doing today? Yes, yes, ma'am, आ गई अर्चना. So login नहीं हो रहा था बेटा, इसीलिए थोड़ा सा time लग गया. ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो चलो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है तो, और लाइक कर दो क्लास को अगर अच्छी लगे तो कर देना, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. सो आई स्टार्ट बाय टेलिंग यू अबाउट द कॉम्बैट टेस्ट एंड देन फिर आज क्या है तब तक आप गेस कर सकते हो कि आज हम क्या करने वाले हैं. सो एवरी डे इज़ अ सरप्राइज सीरीज में हर रोज़ हम कुछ नया ही कर रहे हैं. तो ज़रा सा मुझे गेस करके बताइए आप लोग तब तक कि आपको क्या लगता है आज हम क्या करने वाले हैं. ओके, सो गाइज अन अकेडमी कॉम्बैट जो है वो एक फ्री टेस्ट है जो हर संडे को सुबह 10 बजे अन अकेडमी पर होता है एंड उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है. तो बस आपको क्लिक करना है और एनरोल कर लेना है, साक्षी24 कोड यूज़ करके उसको अनलॉक कर लेना है, ठीक है. सो दिस टेस्ट एवरीबडी विल टेक बिकॉज इससे क्या है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप असेसमेंट भी कर पाओगे कि कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी और प्रेपरेशन है, और बाकी प्राइजेस के नाम पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है वन प्लस सब्सक्रिप्शन. सो अवेल दैट अपॉर्चुनिटी. ओके, ना आस्क अबाउट फीचर अन अकेडमी पर एक नया फीचर है जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है उसका पिक्चर लेकर आप अपलोड कर सकते हो एंड तुरंत से आपको उसका डाउट रेजोल्यूशन हो जाता है. ऑलराइट, अनदर थिंग इज दैट जो भी स्टूडेंट्स प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं वो तुरंत से 2:30 PM बैच को तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे. एंड सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है, आपको जाना है अन अकेडमी की वेबसाइट पर, वहाँ पर सिलेक्ट करना है बैंक एग्जाम कैटेगरी, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे. बस इनमें से जितने मंथ्स का भी आपको लेना है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा. सो फॉर एग्जांपल 12 या 24 मंथ्स आपने सिलेक्ट किया, यहाँ रेफरल कोड की जगह पर साक्षी24 लिख दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है. सो जल्दी जल्दी आ जाओ सब्सक्रिप्शन लेकर. सो द वेट इज ओवर. अच्छा, मतलब सही गेस कर लिया है सबने. हर्षित, इट्स ड्रिजलिंग देयर. ओके, यहाँ पर तो रात से बहुत तेज बारिश हो रही है. ओके, अभी रुकिए जाकर. ऑलराइट, सो सिनोनिम्स बेस्ड क्विज हम करने वाले हैं, ठीक है बेटा. चलिए तैयार हो जाइए, आज आपको भी पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर. ये क्विज वो वाला क्विज नहीं है जिसको हम प्राइज जिसमें देते हैं, बट इसको हम सिनोनिम्स आज करने वाले हैं, बहुत सारी वोकैबुलरी करने वाले हैं बट इन द फॉर्म ऑफ क्विज, ठीक है. सो दैट्स गोइंग टू बी द फॉर्मैट ऑफ टुडेज क्लास. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो द वर्ड इज हार्मलेस, और ज़रा सा मुझे ऑप्शंस में बताइए कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है. कम ऑन एवरीबडी. तो इस एक्चुअली में इस क्विज के थ्रू आप बहुत सारे नए वर्ड्स आज सीखने वाले हो. तो या तो पेपर और पेन लेकर बैठ जाओ या तो PDF से कर लेना. कम ऑन एवरीबडी. ओके, सो कुछ एलिमिनेशन, कुछ नॉलेज है ना. सो हार्मलेस का एक अच्छा वर्ड क्या हो सकता है, उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इनोक्यूअस हो सकता है, ठीक है. क्योंकि इनोक्यूअस का भी मतलब होता है हार्मलेस. ओके, हालांकि सो लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर ऑल्सो. सो इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस. ओके, फिकंट का मतलब पता है क्या होता है, फर्टाइल. ऑलराइट, वैक्यूअस, आपने वेकेंट, वैक्यूम इस वर्ड से आप याद कर सकते हो, खाली, लैक ऑफ समथिंग, दैट इज वैक्यूअस. एंड ओमिनस का मतलब होता है कोई चीज जो आपके लिए एक बुरा साइन होती है. ओमिन आपने सुना होगा ना, अ बैड प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ समथिंग बैड गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला, सो दैट इज ओमिनस, ठीक है. फिकंड का मतलब होता है फर्टाइल, तो लैंड फर्टाइल हो सकता है, दैट मीन्स उस पर क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है. वैक्यूअस का मतलब होता है लैक. एंड इनोक्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं है. सो जैसे ऑल दो सम डू अटैक मोस्ट शार्क्स आर कंप्लीटली इनोक्यूअस या हार्मलेस, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. ये सबको याद हो जाना चाहिए. चलिए, अच्छा मीनिंग्स ही लिखे हुए हैं यहाँ पर. सो मीनिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं बट नेक्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो जब PDF आपको मिलेगी तो दिक्कत नहीं आएगी. चलिए बेटा, नेक्स्ट वन. आपको
मुझे सिली का सिनोनिम बताना है। ऑल राइट, सो ए बी मुझे अलग अलग मिल रहे हैं आंसर्स। ओके देखिए बेटा, सिली का मतलब होता है क्या, आपको वर्ड बड़ा इजी दिया है बट यहाँ पर थोड़ी सी वोकैबलरी है। सो सिली का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई ऐसी हरकत करते हो जो बिना सिर पैर की होती है, ठीक है। अच्छा, कैलो इसका सिनोनिम नहीं है क्योंकि कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का। फ्रिवलिस का मतलब होता है जब आप बिना सिर पैर की बातें करते हैं। सो फ्रिवलिस मतलब नो एम, नो गोल, और बिना सिर पैर की चीज़ें हम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम यही लिखते हैं मीनिंग्स। सो ये हो गया आपका इनएक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, डिसर्नेबल का मतलब होता है, डिसर्न का मतलब होता है टू फाइंड आउट। सो अगर कोई चीज़ डिसर्नेबल होती है, इसका मतलब है वो आइडेंटिफिएबल है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड थॉटफुल तो आपको पता ही होगा, है ना। फ्रिवलिस का मतलब होता है कि जब चीज़ों पे कोई यू नो सेंस ही ना हो, एक तरीके से बिना सिर पैर की बातें हों। सो जैसे शी ट्राइड पोजिंग इन सेवरल प्लेसेस बट फेल सिली डूइंग इट। अब देखो ये सिली लग रही है थोड़ी सी, है ना, और थोड़ी फ्रिवलिस लग रही है। सो दैट इज वॉट द सिनोनिम इज। चलिए नेक्स्ट वन। ओके, सो इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ जल्दी करते हैं, जैसे कहते हैं ना प्रॉम्प्ट रिप्लाई, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट रिप्लाई मींस जल्दी रिप्लाई। प्रॉम्प्ट करने का मतलब इनकरेज करना भी होता है, और पता है प्रॉम्प्ट करने का मतलब ये भी होता है कि जैसे कहते हैं डोंट प्रॉम्प्ट द आंसर्स। अगर मान लो स्टेज पर कोई कुछ क्विज वगैरह कुछ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ऑडियंस में से कोई आंसर अगर बोल देगा ना, उसको भी कहते हैं प्रॉम्प्ट कर रहा है वो, ठीक है। सो यस, यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। एक्सपीडिशियस का भी मतलब होता है जल्दी। अच्छा, ओकल्ट का मतलब पता है क्या होता है, सुपर नेचुरल। ओके, कि भाई जो चीज़ें जैसे भूत प्रेत हो गया, है ना, उनकी स्टडीज जो होती हैं उसको कहते हैं ओकल्ट साइंसेस, सुपर नेचुरल। ओके, एक्सपीडिशियस का मतलब होता है फास्ट, जल्दी जो चीज़ हो जाती है। स्लगिश तो होता है स्लो, जो बिल्कुल धीरे होती है, तो बेटा स्लगिश तो इसका ऑपोजिट हो सकता है। एंड लिमिट मतलब आपने किसी चीज़ को कंस्ट्रेन कर दिया। सो प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ बिल्स इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड। भाई जब भी बिल आपका आया, जनरेट हुआ, आपने तुरंत से उसको अगर पे कर दिया तो अच्छी बात होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। ऑलराइट, सो टेम एनिमल्स आपने सुना होगा, है ना। टेम नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो अगर हम एनिमल्स को टेम करते हैं, इसका मतलब है हम उन्हें डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, मतलब घर पे रहने लायक बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो इसका साइलेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, सैवेज का मतलब क्या होता है, वायलेंट। अब जैसे हम लोग कहते हैं सैवेज रिप्लाई एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो होता ही है, बट सैवेज का एक्चुअल मीनिंग होता है वायलेंट। अब वो टेम का ऑपोजिट हो सकता है एक तरीके से, वाइल्ड तो डेफिनेटली है ही उसका ऑपोजिट, बट डोमेस्टिकेटेड मतलब वो घर पे रहने लायक है। तो इट टुक अ वाइल टू टेम द हॉर्स, मतलब हॉर्स को घर पे रहने लायक बनाने के लिए थोड़ा सा हमें समय लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन।
थैंक यू नेहा। ओके, ये किसी को भी नहीं पता। ओके, ठीक है। सो ऑगल का मतलब होता है, देखो, गंदी तरीके से घूरना। ठीक है, अब देखिए ये टर्म तो हमारी सोसाइटी में बहुत चलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप देखते हैं कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स इस बात को नोटिस करती होंगी, आप सड़क पे जा रहे हैं एंड इफ समवन इज यूज यू नो वॉचिंग यू इन अ वेरी इनडिसेंट मैनर, उसको कहते हैं ऑगल। ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से वो आपको देखते हैं तो उसको कहते हैं ऑगल करना। ठीक है ना। अच्छा, इनडिसेंट, अब इसका वो नहीं हो सकता क्योंकि देखो अनहेल्दी और पीविश तो नहीं हो सकता। पीविश का मतलब होता है इरिटेबल, जब आप इरिटेट जल्दी हो जाते हो। ठीक है, इरिटेट जल्दी हो जाते हो। ओके, तो वो तो कैंसिल हो गया, बाकी अनहेल्दी भी कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, सो इनडिसेंट गेज है वो, बट सिनोनिम उसका गेज होगा क्योंकि वो देखने देखने को बोलते हैं, उस तरीके से देखने को बोलते हैं। सो ऑगल मतलब घूरना उस गंदी तरीके से। इनडिसेंट तो वो तरीका है जिस तरह से ऑगल किया जा रहा है। ठीक है बेटा। सो गेज इज द सिनोनिम। यस, अब आप देख रहे हो ना इसको कैसे देख रहे हैं ये लोग। ऑब्वियसली मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा सा सिविलाइज पिक्चर यहाँ पर लगाऊं, इससे ज़्यादा सिविलाइज नहीं मिला। इससे भी और बुरी बुरी पिक्चर्स ही मिल रही थी। सो ही वॉज टेम्पटेड टू ऑगल एट यंग लेडीज। ओके, सो यू ऑगल एट समवन मतलब उनको आप घूरते हो और उसको टेम्पटेशन होता है कि वो यंग लेडीज को घूरे और वो भी गंदी नजरों से। ठीक है, यस, बिहेवियर के लिए यूज होता है और इनडिसेंट तरीके से ऑगल कर रहे हैं, बट ऑगल वो गेज है। ठीक है, जो इनडिसेंटली किया जा रहा है। ओके, सो इनडिसेंट अगर हम बोलते हैं तो इनडिसेंट तो आपका बिहेवियर भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि आप देख ही रहे हो किसी से, किसी की तरफ। सो ऑगल देखना होता है। चलिए नेक्स्ट वन, पीविश का मतलब होता है इरिटेट हो जाना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता वहां। गूगल से है मैम ऑगल, मतलब ऑल राइट। सो डिम्योर का मतलब क्या होता है? शाय, टिमेड, जो डरा हुआ हो बहुत ज्यादा। और उसका सिनोनिम पता है क्या होगा? बैशफुल। ब्रेजन तो उसका एंटोनिम होगा। तो डिम्योर का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा टिमेड और शाय होते हो, आपको यू नो आप किसी से बात करने में भी डरते हो, एंड बैशफुल इज द सेम मीनिंग। ओके, ब्रेजन तो होता है जब आप बहुत ज्यादा बोल्ड होते हो कि अरे यार देख लेंगे, फ्रैंक होते हो कि देख लेंगे जो होगा। ठीक है, डरते नहीं है किसी से। हाँ, खुशबू से रिलेट कर सकते हो बेटा। ठीक है, सो ब्रेजन का मतलब ये होता है कि आप डरते नहीं हो किसी से एंड किसी के सामने कुछ भी बोल दोगे। हालांकि बैशफुल का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा टिमेड और शाय होते हो। ठीक है ना, बैश आपको लगा होगा आई एम श्योर वर्ड से कि बैश करने का तो मतलब होता है मैम डांटना किसी को, बट बैशफुल एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि आप डरते हो, बहुत ज्यादा शाय और टिमिड हो। अब बेटा इफेक्टिव और इनइफेक्टिव तो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इफेक्टिव मतलब ये चीज़ फायदेमंद है, इनइफेक्टिव नहीं फायदेमंद है। सो ओल्ड फोटोज ऑफ मैगी शो हर यंग एंड डिम्योर, सो वेरी शाय, टिमिड, डरा हुआ सा, मॉडेस्ट। ठीक है, एंड वही चीज़ बैशफुल का भी मीनिंग है। सो चाहो तो मीनिंग्स नोट डाउन कर लो, अदरवाइज पीडीएफ तो मैं आपको दे ही रही हूँ, सारे के सारे वर्ड्स आज के आज याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। ओके, सो गाइज इफ यू आर लाइकिंग द सेशन डू लाइक इट।
जरा सा लाइक बटन पे क्लिक कर दो अगर आपको नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है। डेली हम ये क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो इन जुडिशियस, अब बेटा जुडिशियस वर्ड का क्या मतलब होता है? जुडिशियस होता है जब आप कोई काम बहुत ही ज्यादा कॉशन के साथ वाइजली करते हो। इन जुडिशियस का मतलब होता है अनवाइज, ठीक है, जो आप ज्यादा दिमाग लगाकर नहीं करते। अच्छा, सेंसिबल इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि सेंसिबल का मतलब होता है जिसमें सेंस हो, है ना। ये देखो, इनजुडिशियस का ये मतलब नहीं कि उस बात में सेंस नहीं है या सेंस है, जो भी है, ठीक है। इनजुडिशियस जस्ट होता है कि आपका कोई डिसीजन ऐसा आपने ले लिया है जो एक तरीके से इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है, अनवाइज है, ठीक है। अच्छा, एस्ट्यूट का मतलब पता है क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है जब आप किसी को धोखा देने में बहुत ज़्यादा चातिर हो। मतलब आप ऐसे ऐसे प्लान बना लोगे ना किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, धोखा देने के लिए, दैट्स एस्ट्यूट, क्राफ्टी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, धोखा देने के लिए प्लान्स बना लोगे। अच्छा, इरेटिक का मतलब होता है जो इरेग्युलर होता है, ठीक है, जैसे इरेटिक रेनफॉल कभी भी हो गई, और अनवाइज आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो डम किड्स इनजुडिशियस डिसीजन टू रॉब द बैंक लैंडेड हिम इन जेल फॉर 15 ईयर्स। अब भाई उसने सोचा कि बैंक को रॉब कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और अब 15 साल की जेल हो गई उसको। तो ये कितना अनवाइज डिसीजन था जो इसने लिया, ठीक है। सो दीज आर द मीनिंग्स। सो दैट इज इट फॉर द क्लास गाइज। मैं आपको PDF दे दूंगी कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो सब लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल तो उसको ज्वाइन ही कर लो, @ साक्षी पावा से, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब करके भी जाना, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग इज दैट 14th April, दैट इज yesterday, बहुत सारे बैचेज अन अकेडमी पर लॉन्च हुए गाइज। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जितने भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेने आ रहे हैं वो सारे के सारे बैचेस अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक लिंक भी मिलेगा जिसको डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो उस पर साक्षी24 कोड लगा हुआ है ऑलरेडी, बस आपको क्लिक करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। चलो, नाउ आई विल सी यू एट 9 AM। 9 AM पर हम मिलेंगे फ्री क्लास के लिए। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाना, ओके, बाय बाय। फ्री क्लास का लिंक आपको बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग तो सब हो ही उस पर।